नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएसटी न्यूज लाइव और सच्ची खबर पर आपकी नजर। मैं हूं आपके साथ पिंकी। आई नजर डालते हैं आज की खबर। वाराणसी के लक्सा थाना क्षेत्र के रामकुंड स्थित श्री श्री 1008 दैत्रावीर बाबा मंदिर स्थल पर नवरात्रि के महाअष्टमी पर कन्या पूजन किया गया। इस अवसर पर 51 कन्याओं को विधि विधान से पूजन आरती कर भोजन कराया गया और देवी स्वरूप कन्याओं और मां से देश के लिए अमन चैन शांति और देश के जवानों को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। कार्यक्रम में सैकड़ों क्षेत्रीय लोग शामिल रहे। सभी ने माता स्वरूप कन्याओं को अपनी तरफ से उपहार स्वरूप सप्रेम भेंट कर माता का आशीर्वाद लिया और सभी ने समाज परिवार क्षेत्र और देश की शांति खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। वाराणसी से कुलदीप कपूर की रिपोर्ट। मैं आलोक यादव। विगत वर्षों की बात ही, इस वर्ष भी नवरात्र के पावन पर्व पर हम यहाँ अष्टमी के दिन 51 कन्याओं को भोजन कराकर और भगवान के को साक्षी मानकर हम ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश में सुख समृद्धि और संस्कार की एक महान विभूति प्रस्तुत करें और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में सुख शांति और स्वास्थ्य के प्रति हर सभी सचेत रहें और इसी तरह लगातार हमारा देश हिंदुस्तान आगे बढ़ता रहे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इस दैत्रावीर मंदिर के व्यवस्थापक बड़े भाई मुन्ना पटेल जी दोनों नवरात्र में ये कन्याओं का पूजन करते हैं और सभी को एक आशीर्वाद के रूप में ये मिलता है और हमारा वार्ड और हमारा देश सब इससे अभिभूत हो जाता है। और यहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं कि कन्याओं को देखकर जैसे लगता है कि साक्षात यहाँ देवी विराजमान है। इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ हर वर्ष जिस हिसाब से पूजन होती है और भगवान के आशीर्वाद से यह परंपरा विगत वर्षों से चली आ रही है और भी आगे बढ़े, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ और ना सुख समृद्धि और ईश्वर से सभी। दिलीप कुमार पटेल। क्या आयोजन है यहाँ पे आज? यहाँ हम लोग जो है मूर्ति स्थापित किए हैं 4 साल पहले और उसी उपलक्ष्य में जो है कन्या पूजन दोनों नवरात्र में हम लोग करते हैं। और उद्देश्य क्या है? सुख शांति, इस माने पूरे देश के लिए हम लोग जो है सेना के लिए जो है करते रहते हैं।